किसी का बच्चा पैदा होने पर बुके नहीं भेजते हैं लेकिन माइक्रो ब्लॉगिंग पर लिख देते हैं। जब आप पब्लिक फोरम में ये सब कर रहे हैं, इट इज ईदर टू प्रमोट देम और इवन मोर सो टू प्रमोट योर सेल्फ। इट्स लाइक बैती गंगा में हाथ धोई लो। अनुष्का इज ट्राइंग टू से दैट इज जस्ट अ लिप बाम। कम ऑन, हु आर वी किडिंग? We all know what happens. It's there for our viewers to Google. I think that is being hypocritical. Stars करते हैं complain about lack of privacy, लेकिन खुद ही personal बातों को बनाते हैं public. क्या है ये stars की hypocrisy? अनुष्का ने किया है lip job के बारे में indirectly admit या फिर deny. चलिए देखते हैं ये सब और बहुत सारी बिंदास बातें आज page 3 पर. दीपिका के एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मालिया को जब अपनी एक्स फ्लेम की सक्सेस की बेशुमार खुशी हुई तो उन्होंने दीपिका को पर्सनली कॉल या मैसेज करके बधाई देने के बजाय सोशल नेटवर्किंग साइट पर किया दीपिका को कंग्रेचुलेट। अब अपनी खुशी दीपिका से जतानी थी या फिर पूरी दुनिया को बतानी थी, ये तो सिद्धार्थ ही बेहतर जानते हैं। लेकिन आजकल बी टाउन स्टार्स अपनी बधाइयां या फिर दुख पब्लिक फोरम पर ज्यादा बांटते हैं। जब ऐश्वर्या राय शिल्पा शेट्टी और लारा दत्ता माँ बनी तो बॉलीवुड में उनके दोस्तों ने अपनी खुशी और बेस्ट विशेष की बौछार इंटरनेट के जरिए कर डाली। शाहरुख खान, अर्जुन रामपाल, सोनम कपूर, बिपाशा बासु, प्रियंका चोपड़ा के साथ कई स्टार्स ने पर्सनल मैसेज को पब्लिकली जाहिर किया। हालांकि ये स्टार्स उन्हें इजिली पर्सनली भी विश कर सकते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट को चुना। खुशी बांटने के लिए ही क्यों, डेथ जैसी नाजुक घड़ी में भी स्टार्स दूसरे का दुख बांटने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं। जो स्टार्स अपनी निजी जिंदगी को मीडिया ग्लेयर से बचाते हैं, वही स्टार्स अक्सर अपने इमोशंस को खुलेआम इंटरनेट पर जताते हैं। क्या अपने फ्रेंड्स की खुशी या दुख बांटना स्टार्स के लिए पर्सनल नहीं है या फिर ऐसा करने के पीछे कोई और वजह छिपी है? आमिर शाहरुख, प्रियंका, सलमान कहते हैं प्राइवेसी की बात लेकिन खुद इंटरनेट पर करके पर्सनल बातें करते हैं पब्लिसिटी बार बार। क्या हिपोक्रिट्स है स्टार्स? Who would be better than our Bollywood insider and page 3 pioneer Simi Chandok to throw some light on this? Hi Simi, welcome to page 3. Hi Megha. Simi, why do you think stars अपने पर्सनल मैसेजेस इंटरनेट पर शेयर करते हैं? Well, उन्हें कोई ना कोई फायदा होता होगा, इसीलिए वो कोई भी मीडियम यूज करते हैं एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्टार्स हु आर अलॉट इन टू चैरिटी एंड चैरिटेबल कॉजेज। मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर वेरी सैवी, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे ऑन एन इंडिविजुअल लेवल उन्हें फायदा नहीं होता हो। तो जब भी वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर जाते हैं, अपने स्टेटस के अपडेट्स देते हैं, अपने कोलीग्स को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, कंडोल करते हैं, इट्स नॉट जस्ट पर्सनलाइज, इट्स नॉट जस्ट देयर बेस्ट विशेज और देयर गुड विशेज, इट्स ऑलवेज विद एन एजेंडा। इट्स लाइक यू नो, if I go on to a microblogging site and I start wishing you, of course it's going to get you noticed, but I'm going to get the followers too. So most of the times there's a hidden agenda. And what about John Abraham getting married? What was that? उसमें मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, because I think he owed it to his fans. And John अपनी relationships में अब तक काफी transparent रहे हैं. Of course in this case he was a little guarded, because last उनकी relationship काफी speculation में आ गई थी, काफी limelight में आ गई थी, but he did not really do it for the media. He's like, I owe it to my fans, I owe it to Bollywood and of course the media. And one fine day he just went and announced it and it really worked for him. He just went and wrote one line there about being married and the problem was solved for him. अगर उन्हें वो नहीं किया होता तो इतने महीनों से, इतनी देर से जो स्पेकुलेशन चली जा रही थी, इट वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। सो आई थिंक दैट वॉज अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू। बट ये जब किसी का बच्चा पैदा होने पर बुके नहीं भेजते हैं लेकिन माइक्रो ब्लॉगिंग पर लिख देते हैं, ये मुझे कुछ हजम नहीं होता। अगर मेरी फ्रेंड का बच्चा पैदा हो रहा है तो मैं उसे हॉस्पिटल जाके मिलूंगी। इफ़ आई एम वेरी क्लोज टू समबडी और मैं उन्हें कोई पर्सनल मैसेज भेजना चाहती हूँ या मैं कुछ उन्हें पॉजिटिव लिखना चाहती हूँ, तो मैं उनके सेलफोन पर उन्हें टेक्स्ट मैसेज भेजूंगी या आई विल कॉल देम। मैं इंटरनेट पर जाकर तो नहीं लिखने वाली हूँ। सो ऑब्वियसली जब आप पब्लिक फोरम में ये सब कर रहे हैं, इट इज़ ईदर टू प्रमोट देम
और इवन मोर सो टू प्रमोट योर सेल्फ. इट्स लाइक बैती गंगा में हाथ धोई लो, और यहाँ पर तो उनको खुद को ज्यादा फायदा होता है. पर प्रेस में तो ये लोग काफी गार्डेड रहते हैं. बिकॉज प्रेस में ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर जो ये लोग चाहते हैं सिर्फ उतना नहीं लिखा जाता है, बट यहाँ पर ये जो चाहते हैं सिर्फ वही खुद प्रोजेक्ट करते हैं. एंड टुडे हमारे जो स्टार्स हैं वो थोड़े से कंट्रोल फ्रीक हो गए हैं, तो वो खुद की ही न्यूज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, फर्निश करते हैं और उसे आगे प्रेजेंट करते हैं. तो इट जस्ट शोज हाउ मच दे एंजॉय दिस पावर टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स इन अ सर्टेन वे, टू बी एबल टू कंट्रोल दे इमेज. एंड दिस लग्जरी दे कैन नॉट enjoy with the media. Media ko kuch pata chalega to thoda sa twist ho sakta hai, thoda sa usko flavor lag sakta hai. So I think that insecurity is there, it might go out of hand. But when they are doing it on their own blogs or on the internet, they are free to write anything. And do not forget, they also attract followers. Aur jis star ke bare likhte hain unke bhi followers inke paas aa jate hain, inke khud ke bhi followers aa jate hain. Aur yahan par controversy to rake up karni nahi padti hai, achhi achhi meethi meethi baatein likh di aur publicity be lately. Right. So it really works for them to their advantage. Simple example, it's Valentine's week, you know. Will we be sending Valentine's messages to personal friends or personal Valentine messages on the internet? I don't think so. Jab ye aapas mein jhagda karte hain ya ekdam lovey-dovey messages bhejte hain, do they do that on the internet? No. When they're trying to grab each other's projects, when they're getting into that kind of politics, do they do that on the internet? No. Tab to ye text messaging mode use karte hain. That means this is a very deliberate move. Absolutely weighed and measured. But kabhi kabhi stars regret bhi karte honge whatever they post on these microblogging sites. Yes, of course. There's evidence ki kai baar ye log regret karte hain, lekin uske liye bhi aksar inke paas ek ready-made explanation rehti hai. Ye keh dete hain ki our account was hacked. It's as simple as that. क्या न्यू जनरेशन ऑफ स्टार्स नहीं है एक दूसरे के लिए कंपटीशन? कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉलीवुड में अब काम ज्यादा और टैलेंट कम है, इसीलिए राइवलरी भी कम है? अर्जुन कपूर, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सुशांत सिंह राजपूत, आदित्य रॉय कपूर, बॉलीवुड में आज यंग टैलेंटेड बॉयज छाए हुए हैं. इनके बीच रणबीर कपूर और रणवीर सिंह भी शामिल हैं, जिन्होंने कम ही समय में कई हिट्स देकर ऑडियंस के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली है. आज रणबीर कपूर की पॉपुलैरिटी को इनकैश करने के लिए कई प्रोड्यूसर्स उन पर करोड़ों रुपए लगाने के लिए तैयार हैं. पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के न्यू हीरोज को किसी एक की सक्सेस ने ओवरशैडो कर दिया है. अगर बाकी के दूसरे यंग स्टार्स की फिल्म प्रोजेक्ट पर नजर डाली जाए तो ऐसा लगता है जैसे हर किसी के हुनर को मिल रही है बराबर की अहमियत. फ्रॉम रणबीर टू रणवीर सिंह, वरुण टू सिद्धार्थ, या फिर आदित्य रॉय कपूर या सुशांत सिंह राजपूत और अर्जुन कपूर, ईच ऑफ दीज यंग एक्टर्स टुडे हैव कार्व्ड अ निश फॉर देमसेल्व्स. इस साल रणबीर कपूर के पास हैं 4 फिल्में, जग्गा जासूस जो अगले साल रिलीज होगी, यह एंड तक अपेरेंटली उनकी फिल्म बॉम्बे वेलवेट रिलीज हो जाएगी. वो जल्द ही दीपिका पादुकोण के साथ इम्तियाज अली की फिल्म भी शुरू करेंगे और गेस्ट अपीयरेंस देंगे फिल्म रॉय में. रामलीला के सुपर सक्सेस के बाद रणवीर सिंह की गुंडे रिलीज हुई है. इसके अलावा परिणीति के साथ किल दिल और जोया अख्तर की एक फिल्म में वो अनुष्का और प्रियंका चोपड़ा के साथ नजर आएंगे. साथ ही रणवीर फाइंडिंग फैनी में एक गेस्ट अपीयरेंस देंगे. वरुण धवन की मैं तेरा हीरो हूँ रिलीज होने वाली है. अपार्ट फ्रॉम दिस ही हैज हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया विद आलिया भट्ट एंड विल आल्सो बी सीन इन श्रीराम राघवन्स नेक्स्ट फिल्म. आदित्य रॉय कपूर दो बिग बैनर की फिल्म्स कर रहे हैं, दावते इश्क और फितूर विद परिणीति चोपड़ा एंड कैटरीना कैफ रिस्पेक्टिवली. अर्जुन कपूर के हाथ भी 4 फिल्मों से भरे हुए हैं. गुंडे के बाद अर्जुन कपूर तेवर, फाइंडिंग फैनी और टू स्टेट्स जैसी फिल्म्स में एंटरटेन करते देखे जाएंगे. हंसी तो फंसी सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सोलो रिलीज है और इसके अलावा वो मोहित सूरी की विलन में भी नजर आने वाले हैं. सिर्फ 2 फिल्मों के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत बन गए हैं लोगों के चहीते और फिलहाल वो बिजी हैं डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी की शूटिंग में. साथ ही सुशांत को शेखर कपूर का एम्बिशियस प्रोजेक्ट पानी करने का भी मौका मिला है. यानी भले ही बॉलीवुड में फिलहाल कई यंग टैलेंटेड एक्टर्स मौजूद हैं, तो क्या एक हो रहा है दूसरे पर हावी या फिर सबकी पोजीशन मजबूत है? Well, जब आप खान्स को देखते हैं when they had started their journey और अब के जो यंग स्टार्स हैं लाइक अर्जुन कपूर, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उन लोगों में कॉम्पिटिशन ज़्यादा दिखता नहीं है. इट्स लाइक दे एवरीबडी हैज़ वर्क एंड यू नो दे. व्हाट डू यू फील अबाउट दैट?
it's perhaps something to do with Bollywood and how much it has expanded as an industry. Bollywood बहुत ही बड़ी industry बन चुकी है और पहले बड़े ही stereotypical roles होते थे कि it's the good, the bad and the ugly. एक hero होता था, he was fighting the bad, he was doing good and of course he was always triumphant. And of course they were running around trees and that was the end of the movie. और हम ढाई तीन घंटे यही देखते रहते थे. एक तरह की films बनती थी तो the heroes were always competing with each other. अब बड़े अलग से genres की films बनती हैं, अलग अलग roles बनते हैं, तो अगर एक hero एक role ले लेता है, there's always another kind of director who's planning a completely different movie. अगर आप रामलीला देखते हैं, rock star देखते हैं, गुंडे देखते हैं, they're all very different kind of movies. So there's always room these days for a hero to do some kind of movie. ऐसा नहीं है कि चार पांच films बन रही हैं या दस films बन रही हैं, तो अगर एक बड़ा project एक hero के पास चला जाता है तो दूसरा हाथ मलते रह जाता है. दीज डेज देर आर लॉट ऑफ मूवीज बींग मेड, डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज बींग मेड, सो आई थिंक दैट इनसिक्योरिटी इज लेस एंड देयर इज वर्क फॉर एवरीबडी. एंड व्हाट अबाउट द हीरोइंस? शायद हीरोइंस के लिए अभी भी कॉम्पिटिशन ज्यादा है बिकॉज अदर देन अ फ्यू एक्सेप्शन लाइक विद्या बालन व्हेन शी हैज डन रियली स्ट्रॉन्ग रोल्स, ज्यादातर अगर हम हीरोइंस को देखते हैं तो वो सेक्स सिंबल्स ही बन के रह गई हैं, आइटम गर्ल्स बन के रह गई हैं. एटलीस्ट पहले हीरोइंस थोड़ा रोना धोना तो करती थी एंड देयर रोल्स वर लिटिल बेटर देन व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ. टुडेज हीरोइंस आर नथिंग बट आइटम गर्ल्स एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर लुकिंग द सेम. दे हैव द सेम पाउट्स, दे हैव द सेम हेयर एक्सटेंशंस, देयर ऑल wearing skimpy clothes and they all look alike. Koi gori hai to thodi si, koi dusky hai, sirf itna sa hi farak reh gaya hai. So I think any heroine can fill in any slot. So it's still not that easy for a heroine as it is for the guys. Well, it's time for a short break, lekin aap kahin mat jaiyega. So see you after the short break. Coming up on page 3. Today's heroines are nothing but item girls. कोई गोरी है तो थोड़ी सी, कोई डस्की है, सिर्फ इतना सा ही फर्क रह गया है. I think any heroine can fill in any slot. अनुष्का शर्मा ने सपोजेडली लिप एनहांसमेंट करवाई जो लाइमलाइट में है आई एंड विद हर मच टॉक्ड अबाउट पाउट अनुष्का इज पेज 3's हॉट शॉट. अनुष्का शर्मा जब पहुंची एक टॉक शो पर तब उनकी बातों से ज्यादा उनके लिप्स बन गए टॉक ऑफ द टाउन. अनुष्का के थिन लिप्स सडनली नजर आए बिग जो था काफी नोटिसेबल. अपेरेंटली अनुष्का को उनके बदले हुए रूप के लिए लोगों से काफी क्रिटिसिज्म मिली है. क्रिटिसिज्म कुछ ऐसी मिली कि अनुष्का ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपने फैंस और पब्लिक के लिए एक लंबा चौड़ा मैसेज लिख दिया जहां उन्होंने अपने लिप जॉब के बारे में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की. यूं तो कॉस्मेटिक सर्जरी बॉलीवुड स्टार्स के लिए कोई नई बात नहीं है, तो ऐसे में अगर अनुष्का ने लिप जॉब करवाया भी है तो क्या लोगों को उन्हें जज करना चाहिए और क्या अनुष्का को अपने एनहांस्ड लिप्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत थी? वेल सिमी, एज यू नो, आज हमारा हॉट शॉट अनुष्का शर्मा है और आपको प्लास्टिक सर्जरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आई थिंक प्लास्टिक सर्जरी में कोई हर्ज नहीं है. आई हैव सेड रिपीटेडली ऑन द शो कि दे आर इन द ब्यूटी बिजनेस एंड इफ दे हैव टू स्पेंड मनी, दे हैव टू टेक पेन्स टू बी ब्यूटिफुल, दे शुड डू इट बिकॉज दे आर नॉट हियर फॉर देयर ब्रेन्स. ये लोग जब बॉलीवुड में आते हैं दे आर हैंड पिक दैट बिकॉज दे आर ऑल्सो ब्यूटिफुल. ऑफकोर्स दे कैन एक्ट, बट जो लड़कियाँ एक्ट नहीं भी कर पाती हैं वो भी यहाँ पर चल जाती हैं. एक्टिंग तो ये सीख ही लेती हैं, बट प्राइमरली दे आर पिक फॉर देयर लुक्स, देयर ब्यूटी एंड ऑफकोर्स देयर सेक्स अपील. सो इट इज़ देयर जॉब टू कीप देमसेल्व्स वेल मेंटेन, to make sure that they are looking good all the time, they are groomed and there is nothing wrong in it because ye log karodon charge karte hain ek movie ke liye and if they are not going to spend on their upkeep and take care of their maintenance, it is letting their fans down. And while we appreciate natural beauty, but these days most of the stuff that we are seeing in Bollywood is cosmetic, so why should anybody get left behind in the race and why should we judge anybody? Right. Likewise, I feel Anushka ko bhi judge karna galat hoga yahan par. So what do you have to say about Anushka Sharma's pout and the flack that she's been receiving from people all around?
जैसे कि मैंने कहा कि हमें अनुष्का को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन अनुष्का ने जैसे रिएक्ट किया है, बहुत ही भीगी बिली अप्रोच रही है उनकी. इट्स लाइक यू हैव डन इट, इट्स योर बॉडी. इट्स वन थिंग टू काइंड ऑफ शीपिशली डिनाई इट, बट ये कहना कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ. यू नो, अनुष्का को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अ लॉट ऑफ हर कोलीग्स आर इंडल्जिंग इन कॉस्मेटिक सर्जरी, एंड व्हेन शी इज रनिंग डाउन कॉस्मेटिक सर्जरी, व्हाट आर हर कोलीग्स थिंकिंग ऑफ हर एंड हाउ आर दे फीलिंग. एंड इफ अनुष्का इज ट्राइंग टू से दैट इज जस्ट अ लिप बाम और सम काइंड of temporary procedure that has just done that for her, we all know what happens. It's there for our viewers to Google. And come on, who are we kidding? It's just that some people choose to say yes, I've done it, and some people say no. But abhi jaise ki main kuch karwa ke baith jaun aur fir kahun ki oh, you know, this is something I don't support, this is something I'm against, I think that is being hypocritical. But log bahut zyada judgmental ho raha hai, so do you think that Anushka needs to react any further? Frankly, it's up to Anushka, but I think she has attracted more attention by writing the open letter. Aajkal open letter likhne ka trend aa gaya hai. After Katrina Kaif, she has really popularized it. But yahan par fans bhi kai baar jeene nahi dete hain. But kahi baar yahan par hamare jo audience hain, wo bhi harsh ho sakte hain. If you recall, Priyanka Chopra ne kuch mahine pehle apne bina makeup ki photos post ki thi. And the kind of reactions she got was so harsh. You know, people were so mean to her. Some people said that she should not be there posing without makeup. Some people were commenting on her cosmetic surgery. Kahi logon ne ye bola ki unhe makeup ke bina wahan par pictures nahi post karni chahiye thi. Kahi logon ne ye kaha ki unhone cosmetic procedures karwaye hain. And there were very nasty comments. So I feel that can be very harsh for a star to tolerate. And even people should use restraint. But it's always a price you pay for being famous, for being a star, and for being rich. True. Simi, so which parties are you taking us this week? I would like to start with Mumbai's very popular industrialist and art curator Parvez Damania. Unhone ek bahut hi stylish Parsi sit-down dinner host kiya to exhibit some great work by Shantanu Das, and of course the who's who was there. So chaliye dekhte hain. And which is the next party we are going to? This time, art seems to be ruling our party scenes. So, photographer Vikram Bawa, he seems very inspired by Draupadi. So, unhone bhi apna art exhibit kiya wahan par, different forms of Draupadi. And I think our viewers are really going to enjoy looking at this. Yep. Simi, thank you so much for being with us on Page 3 once again. Thank you, Megha, for having me. Gossip parties and new trends. Itna sab kuch Page 3 par hi to milta hai. So hey, don't touch the remote and see you soon. Well, there can be nothing more exciting than Page 3 because itna sach, itne glamorous tarike se aapko aur kahin mil hi nahi sakta. Tabhi to kehte hain ki keep watching Page 3 only on Zoom, India's number one Bollywood channel. Are we rolling? Chalo shuru kare Antakshri ab. Kya new generation of stars nahi hain ek dusre ke liye competition? Come on now. Simi, do you think stars share their हिंदी में बोल दो, कष्ट दो ना कुछ, मेरा एक आंसर बाकी है इसमें. नहीं नहीं रुको, अभी खत्म नहीं हुआ. हाँ, कुछ मिस किया, चेक कर लो. ये क्या कॉर्ड निकल रहा है क्या? तुम्हारी ड्यूरेशन हो गई.